नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मान लीजिए, अगर आपने अपना SBI का ATM कार्ड गलती से कहीं पे ड्रॉप कर दिया है, या आपका ATM कार्ड कहीं पे गुम गया है, चोरी हो गया है, जो आपका SBI का ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अगर कहीं पे गुम गया है या चोरी हो गया है, तो कैसे आप दोस्तों उसको ऑनलाइन जो है ब्लॉक कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है आप जो है योनो SBI एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। योनो SBI एप्लीकेशन में अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्टर नहीं बनाया, तो यहाँ पे आपके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। वो देखने के बाद अब योनो SBI एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों योनो SBI एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आप अपना कार्ड को गुमा देते हैं, आपका कार्ड चोरी हो गया है या कहीं पर गुम गया है, तो कैसे आप ऑनलाइन उसको ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं? जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके जो आपका कार्ड है उसको अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो सबसे बेटर तरीका तो यही रहेगा कि अगर आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके अगर ब्लॉक कराते हैं तो सबसे बेटर तरीका होता है, क्योंकि वो फेस टू फेस जो है आपका ब्लॉक कर देते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप अर्जेंटली उसको ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो योनो SBI एप्लीकेशन में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप अपने डेबिट कार्ड को, SBI के ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, टेम्प्रेरी बेसिक पे या फिर परमानेंट बेसिक पे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बता दूँ कि कैसे आप अपने SBI के ATM कार्ड को, डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कार्ड बाद में मिल जाता है कुछ दिन बाद, तो आप कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं दोबारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने SBI के ATM कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करना है। दोस्तों अगर आपने योनो SBI एप्लीकेशन में अभी तक लॉगिन नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो देखने के बाद आप यहाँ पे योनो SBI एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर करने के बाद सबसे ऊपर 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 लॉगिन वाला बटन है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। MPIN डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप अपनी यूजर ID डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं MPIN डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, अकाउंट्स का, योनो पे का, योनो कैश का, डिपॉजिट का, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, शॉप एंड ऑर्डर, बेस्ट ऑफर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट का, बिल पेमेंट का, बुक, ट्रेन टिकट, योनो रिवॉर्ड्स, और यहाँ पे SBI रिवॉर्ड, FAQ, नियरेस्ट बैंक बैलेंस, SI से। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाता है सर्विस रिक्वेस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देता है इमरजेंसी वाले फील्ड में। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर देख सकते हैं, इमरजेंसी में आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्लॉक ATM कार्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे मैनेज पिन कार्ड या ब्लॉक कार्ड, या ब्लॉक ATM कार्ड, एक्टिवेट SMS कार्ड, या स्टॉप चेक। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लॉक कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो ब्लॉक वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेना, इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड। दोस्तों अगर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको फॉरगेट वाले पासवर्ड पे क्लिक, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मेरे को याद है तो चलिए मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं SBI का डेबिट कार्ड का। यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देता है, पहला है ब्लॉक कार्ड, दूसरा है मैनेज कार्ड, तीसरा है रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट, और चौथा है एक्टिवेट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वो बोल रहा है ब्लॉक कार्ड। तो ब्लॉक कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि ब्लॉक ऑल कार्ड्स, या फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे कि ब्लॉक ऑल कार्ड्स। अगर आप ब्लॉक ऑल कार्ड्स पे क्लिक कर देते हैं, तो दोस्तों आपके जितने भी कार्ड हैं, जितने भी ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको परमानेंटली ब्लॉक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप टेम्प्रेरी बेसिक भी ब्लॉक करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड टू ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद सेलेक्ट कार्ड टू ब्लॉक भी सेलेक्ट कर देना है कि जो भी आपका, जो भी मेरा जो ATM कार्ड है वो कौन सा कार्ड है जो कि ब्लॉक होगा टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो नीचे दो ऑप्शन दिखा देते हैं आपको टाइप ऑफ ब्लॉक का, यहाँ पे टेम्प्रेरी ऑप्शन दिखा देता है, परमानेंट ऑप्शन दिखा देता है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जैसे परमानेंट ब्लॉक तो होते थे दोस्तों, आप जो फिर उसको शायद अनब्लॉक नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों बेटर है कि आप जो है टेम्प्रेरी वाले ऑप्शन में क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ATM कार्ड चोरी हो गया या गुम गया है कुछ दिनों के लिए, तो जैसे मान लीजिए आप इसको टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपका ATM कार्ड मिल जाता है, तो आपको दोबारा से उसको 10-15 दिन बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट करने का भी पूरा प्रोसेस इस वाली वीडियो में ही बताऊंगा। तो आप थोड़ा जो होल्ड कीजिए, और यहाँ पे जो है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको देखते रहिए। तो हमें दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया है। टेम्प्रेरी ब्लॉक करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता देगा कि टाइप ऑफ सेविंग का आपका सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, और यहाँ पे कार्ड नंबर कौन सा है जो कि ब्लॉक आप कर रहे हैं, और उसको टेम्प्रेरी बेसिक पे कर रहे हैं कि परमानेंट बेसिक पे कर रहे हैं। तो मैं टेम्प्रेरी कर रहा हूँ, तो इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है जो कि आपको डाल देना है। जो भी आपका SBI अकाउंट में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर आपको एक OTP मिलता है, तो वो OTP यहाँ पे डालना। तो दोस्तों यहाँ पे ये OTP डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आता है, वो यहाँ पे डालने के बाद आपका जो है कार्ड जो है ब्लॉक हो जाता है टेम्प्रेरी बेसिक पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है कि आपका कार्ड जो है, ये वाला डेबिट कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका है। अब दोस्तों मेरे को ब्लॉक करना नहीं है, मैं केवल आपको जो है केवल प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है मैं क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए, इन एग्जांपल मान लीजिए 5-10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद आपका आपका कार्ड मिल जाता है, आपको दोबारा अपनी कार्ड को एक्टिव करना है, अनब्लॉक करना है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा से नीचे आना है, और दोस्तों नीचे दोबारा से आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे आना है।
इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लॉक एटीएम और डेबिट कार्ड इस वाले ऑप्शन पे दोबारा आपको आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोबारा से अपना एटीएम का प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आपको चार ऑप्शन दिखा देते हैं, ब्लॉक कार्ड का, मैनेज कार्ड का, रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट और एक्टिवेट कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक्टिवेट कार्ड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपका जो है अकाउंट सेलेक्ट कर देना है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर कार्ड नंबर डाल देना है जिस भी कार्ड को आपको अनब्लॉक करना है। दोस्तों इस तरह से आपको कार्ड डिटेल्स डाल देनी है। कार्ड डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने अभी जो है डमी कार्ड डिटेल्स डाली है जो कि टेस्ट कार्ड डिटेल्स है। आपको जो आपकी ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स है एसबीआई कार्ड की वो यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से एक ओटीपी आता है, उसको डालने के बाद आपका जो कार्ड है एक्टिवेट हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप जो है अपने डेबिट कार्ड को जो है अनब्लॉक कर सकते हैं और डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं आपका एसबीआई का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका समस्या है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते हैं हमारे देश में मुझे बनना था।